Dear students, today we will discuss lecture number 5 of second year biology of chapter respiration. Students, इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के मुताबिक, जिसमें एक वोल्यूटरी कंट्रोल आ जाता है और दूसरा इनवोल्यूटरी कंट्रोल आ जाता है. इनवोल्यूटरी कंट्रोल हमारे साथ, उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, दैट इज कंट्रोल फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा. मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर ब्रीथिंग सेंटर होता है और उसी की टू पोर्शंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज इंस्पिरेटरी सेंटर, वाइल द सेकंड वन इज एक्सपिरेटरी सेंटर. इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर वो दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को. तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. हम तो यही, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने तो यही पढ़ा है कि हाउ इज इट कंट्रोल, बट इसी लेक्चर में हम यही पढ़ लेंगे कि ये तो कंट्रोल होता है, लेकिन बेसिकली वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन परफॉर्म किस तरह होता है, उनमें बेसिकली एक्टिविटीज कौन से आ जाती है. तो देखिए, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में हमारे साथ टू फेजेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग इन और इंस्पिरेशन, और आप लोग इसको इनहेलेशन भी कह सकते हो. ठीक है, एक ब्रीथिंग इन इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, वाइल द सेकंड वन इज ब्रीथिंग आउट एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन. ठीक है, तो ये दो बेसिक फेजेस है हमारे साथ ब्रीथिंग में. द फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन, वाइल द सेकंड वन इज एक्सपिरेशन. अभी देखिए, इसी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली द इंस्पिरेशन इज व्हाइल व्हाट एक्चुअली द एक्सपिरेशन इज. ठीक है, तो देखिए हमारे साथ इंस्पिरेशन क्या है, दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, इंस्पिरेशन हमारे साथ एक्टिव प्रोसेस होता है. क्यों एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? तो एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि इट विल यूज द एनर्जी. ठीक है, मींस इंस्पिरेशन में हमारे साथ एटीपी की यूजेज आ जाती है. ठीक है, एटीपी यूज हो रहा होता है, एनर्जी यूज हो रही होती है, तो दैट्स व्हाई इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, तो एक्टिव प्रोसेस ये क्यों है, बिकॉज देयर इज एटीपी यूजेज. ठीक है, एटीपी की यूजेज आ जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव प्रोसेस. अच्छा, देखिए हमारे साथ एटीपी की यूजेज अगर आ जाती है इंस्पिरेशन में, तो बेसिकली वो एनर्जी क्या कर रही होती है, वो उसी एनर्जी की वजह से क्या हो जाता है, तो सिंपल इन इंस्पिरेशन देयर विल बी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स. ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स के लिए हमारे साथ एटीपी की जरूरत होती है. ठीक है, तो सिंपल इसी एटीपी की यूजेज की वजह से हमारे बॉडी में टू मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसी की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बेसिकली इंस्पिरेशन परफॉर्म होता है. अच्छा, वो टू मसल्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द स्केलेटल मसल्स ऑफ डायफ्राम, वाइल द सेकंड वन इज इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब केज, व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स. ठीक है, जो हमारे साथ रिब्स की बिटवीन प्रेजेंट होता है. तो सिंपल स्केलेटल मसल्स ऑफ डायफ्राम, वाइल द सेकंड वन इज इंटरकोस्टल मसल्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स. ठीक है, तो इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इंस्पिरेशन परफॉर्म हो जाता है. अच्छा, देखिए हमारे साथ इन दो मसल्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ. हमारे साथ जो डायफ्राम होता है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स द वर्टेब्रल कॉलम. ठीक है, वाइल द सेकंड, यहाँ पर जो मैंने कर्व लाइन ड्रा किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मकसद है, सपोज इट रिप्रेजेंट द डायफ्राम. ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है, ये क्या है, दैट इज एक्चुअली द रिब्स, और इनके बिटवीन प्रेजेंट होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. तो देखिए हमारे साथ डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक्चुअली इट इज अ स्केलेटल मसल्स, बट इट इज प्रेजेंट इन सर्कुलर फॉर्म. ये हमारे साथ सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. किस तरह सर्कुलर फॉर्म, ये हमारे साथ सपोज चेस्ट कैविटी होती है. ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, सपोज दैट इज अ चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी है, इनके नीचे हमारे साथ आ जाती है एब्डोमिनल कैविटी, इनके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, इनके दरमियान में हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ डायफ्राम, डायफ्राम प्रेजेंट है, लेकिन ये डायफ्राम एंटायरली सर्कुलर लेवल पर होगा. ये ऑन द बैक साइड इट विल अटैच विद द वर्टेब्रल कॉलम, ये वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है. ठीक है, और इनके साथ साथ ये अटैच होता है विद व्हाट, विद द रिब केज. ठीक है, तो सिंपल ये प्रेजेंट है इन सर्कुलर फॉर्म, इट इज अटैच विद द वर्टेब्रल कॉलम, एंड इट इज ऑल्सो अटैच विद द रिब केज. ठीक है, तो सिंपल यही प्रेजेंट है. इनके अलावा हमारे साथ क्या है, स्केलेटल मसल्स ऑफ डायफ्राम, जो इनका सेकंड नेम क्या है, इनको आप लोग फ्रेनिक मसल्स भी कह सकते हैं, और इनके अलावा रेडियल मसल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, इनके बाद हमारे साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स है, तो इंटरकोस्टल मसल्स दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ये बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे साथ नॉर्मली इनकी मकदार कितनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी है, तो सिंपल हमारे साथ रिब केज इनके होते हैं 12 पेयर्स.
ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे साथ जो रिबकेज है दैट इज प्रेजेंट इन 12 पेयर्स, ठीक है, ये 12 पेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो हाउ मेनी इंटरकॉस्टल मसल्स विल बी देयर, सो देयर विल बी 11 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, हमारे साथ इंटरकॉस्टल मसल्स 11 पेयर्स में होते हैं। एंटायर रिब केज जो है इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स, व्हाइल जो हमारे साथ इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे दे विल बी इन 11 पेयर्स। इनकी रीजन क्या है, क्योंकि दीज मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, ये बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट अबव द रिब्स, ठीक है, अबव द रिब्स रिब्स के ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होते। तो सिंपली हमारे साथ जो फर्स्ट पेयर होता है और लास्ट पेयर होते हैं, इनके ऊपर इंटरकॉस्टल मसल्स नहीं होते और एंटायर पेयर्स 12 हैं, तो इनमें इंटरकॉस्टल मसल्स 11 पेयर्स के आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली इंस्पिरेशन में हमारे साथ बाय एक्टिव प्रोसेस दीज टू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट वन डायफ्राम व्हाइल द सेकंड वन इंटरकॉस्टल मसल्स। अच्छा, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, तो सिंपल हमारे साथ जो डायफ्राम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नॉर्मली तो ये प्रेजेंट है इन अ डूम शेप, ठीक है, लेकिन इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इट विल बिकम फ्लैट, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर ये डूम शेप में प्रेजेंट है और एक साइड से दूसरी साइड से इनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल बिकम्स द डूम शेप, ये नीचे सॉरी इट विल बिकम्स द प्लेट शेप, ये नीचे की तरफ आ रहा होता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर इंटरकॉस्टल मसल्स इनकी कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो इनकी वजह से क्या होगा, हमारे साथ जो रिबकेज है, ठीक है, इट विल मूव्स आउटवर्ड, ये आउटवर्ड की तरफ आ जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और इनके अलावा इट विल मूव्स स्लाइटली व्हाट फॉरवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ भी आ जाता है और आउटवर्ड भी आ जाता है। अच्छा, इसी इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर रिबकेज फॉरवर्ड भी आ जाता है और आउटवर्ड भी आ जाता है, ठीक है, तो इसी के रिजल्ट में क्या बन जाता है, द स्टर्नम विल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकबोन, ठीक है। नॉर्मली अगर हम मैं बता दूं तो ये सपोज ये चेस्ट कैविटी है, फ्रॉम साइड वाइज ये वर्टेब्रल कॉलम है, यहाँ पर हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है स्टर्नम, ठीक है, तो इन दोनों देखिए अगर ये आउटवर्ड आ जाते तो द स्टर्नम विल मूव अवे फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम और यहाँ पर कैविटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो सिंपल एक्टिव प्रोसेस की वजह से इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, लेकिन इनका एंटायर रिजल्ट क्या होगा, इसी कॉन्ट्रैक्शन का एंटायर रिजल्ट क्या होगा, यहां पर याद रखिए द थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीजेस, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, थोरेसिक कैविटी किस तरह इंक्रीज हो जाती है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि द फर्स्ट वन जो डायफ्राम होते हैं इट बिकम प्लेट व्हाइल द रिब केज आल्सो मूव आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो इन बेसिकली इन थ्री प्रोसेसेस की वजह से, थ्री एक्टिविटीज की वजह से हमारे साथ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ये याद रखिए कि हमारे साथ जो थोरेसिक कैविटी इनकी इंक्रीज आ जाती है तो इट विल लीड्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ प्लूरल कैविटी, ये प्लूरल कैविटी के एनलार्जमेंट में रोल प्ले कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए हमारे साथ प्लूरल कैविटी के क्या होती है, ठीक है, इनसे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने यही पढ़ाया कि हमारे साथ लंग्स होता है इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है विच इज नोन एज प्लूरा, ठीक है, हमारे साथ जो लंग्स होते हैं इसी के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे को कहा जाता है हमारे साथ प्लूरा, सपोज दैट इज अ लंग, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये सपोज लंग है तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लूरा। अब प्लूरा की स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि प्लूरा इज बेसिकली डबल लेयर स्ट्रक्चर, इसी में डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, द फर्स्ट वन इज नोन एज विसरल प्लूरा, एक हमारे साथ विसरल प्लूरा होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, द सेकंड वन इज जो आउटसाइड होता है उसी को कहा जाता है पेरिटल प्लूरा। अब देखिए हमारे साथ इनके दरमियान में जो कैविटी आ जाती है दैट इज नोन एज प्लूरल कैविटी, ठीक है, तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि इन दो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है, एंटायर कैविटी इंक्रीज हो रही है, और उसी कैविटी की वजह से हमारे साथ जो प्लूरल कैविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो अच्छा, ये प्लूरल कैविटी किस तरह इंक्रीज होती है, देखिए नॉर्मली चेस्ट कैविटी में अगर इनकी चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो रही है तो द लंग्स विल स्लाइटली मूव डाउनवर्ड, ठीक है, ये लंग्स डाउनवर्ड की तरफ एंटायर चेस्ट कैविटी में मूव कर रहे होते हैं। अब ये प्लूरल कैविटी किस तरह इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए अगर ये लंग्स मूव कर रहा है तो द प्लूरा इज बेसिकली ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग, तो ये प्लूरा भी इसके साथ क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ये किस तरह इंक्रीज कर रहा है। अब अगर लंग्स मूव कर रहा है डाउनवर्ड स्लाइटली तो इनके साथ प्लूरा भी स्लाइटली मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कैविटी क्या होगी, क्या होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो विसरल प्लूरा है दैट इज अटैच विद द लंग्स, ठीक है, ये लंग्स के साथ अटैच होता है।
ठीक है। और दूसरा जो पेरिटल प्लूरा होता है दैट इज नॉट अटैच विद द लंग्स, ये लंग्स के साथ अटैच नहीं होता है। अब अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो द लंग्स विल मूव, इट विल मूव द विजरल प्लूरा अलोंग विद देम, ठीक है। लेकिन इनके साथ जो पेरिटल प्लूरा होता है दैट विल मूव स्लाइटली, ठीक है, ये स्लो मूवमेंट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, तो अगर ये डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट है विद द लंग्स और ये इन कॉन्टेक्ट नहीं है तो इनका रिजल्ट क्या होगा, इनके मूवमेंट की वजह से प्लूरा थोड़ा सा पीछे रह जाता है व्हाइल विजलर मूव विद द लंग्स, तो यहाँ पर जो कैविटी होगी वो इंक्रीज होगी। इसी सेम डायग्राम में मैं इनको दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा क्या, इस तरह ये कैविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इस कैविटी की इंक्रीज की वजह से क्या होगा, इट विल मेक्स ऑफ पार्शियल वैक्यूम, ठीक है, ये पार्शियल वैक्यूम बना रहा होता है, ये क्या बना रहा होता है, पार्शियल वैक्यूम, या सिंपल इट प्रोड्यूसेस पार्शियल वैक्यूम। अब अगर ये पार्शियल वैक्यूम बना रहा है तो व्हाट इज पार्शियल वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम इज बेसिकली अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पार्शियल वैक्यूम का मकसद क्या है, अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह मींस रीजन को पार्शियल वैक्यूम कहा जाता है। तो सिंपल इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरैसिक कैविटी के एनलार्जमेंट आ जाती है विच इन टर्न इंक्रीजेस द प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब प्लूरल कैविटी के इंक्रीज की वजह से पार्शियल वैक्यूम बन जाता है, पार्शियल वैक्यूम क्या होता है, दैट इज अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिंपल इन सारे प्रोसेस को मैं एक रिलेशन के साथ आप लोगों को क्या कर दूं, वाज़ेह कर दूं कि हमारे साथ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो द प्रेशर विल डिक्रीजेस। अब अगर हमारे साथ प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो द प्रेशर विल इंक्रीजेस, इस तरह की एक रिलेशन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पर तो हम यही कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, तो जाहिर सी बात है इसी में प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इसी प्रेशर को इक्वलाइज करना होता है, ठीक है, इसी प्रेशर को कौन इक्वलाइज कर लेता है, इनको लंग्स इक्वलाइज कर लेता है। तो सिंपल इसी के बाद ये पॉइंट आ जाता है, नाउ टू इक्वलाइज प्रेशर लंग कम्युनिकेट विद द एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू एयर पैसेज वे। जो लंग्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेरिक लेवल होता है, ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसी के साथ कम्युनिकेशन में आ जाता है और उसी से एयर पैसेज वे के जरिए फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल हमारे साथ क्या होगा, एयर रश इनटू लंग्स, फिर ये एयर क्या कर लेता है, ये लंग्स में एंटर हो रहा होता है एंड हेंस द इंस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड। इंस्पिरेशन जो होता है हमारे साथ वो परफॉर्म हो जाता है। लेकिन आप लोग की बुक के मुताबिक इस तरह लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ब्रीथिंग इज लाइक सक्शन पंप मैकेनिज्म, ठीक है। तो सक्शन पंप मैकेनिज्म का मकसद क्या है, देखिए हमारे साथ सक्शन मशीन जो होता है, ठीक है, वो सबसे पहले किस तरह जो कारपेट वगैरह इनसे डस्ट पार्टिकल इनको एक्युमुलेट कर रहा होता है तो उसी मशीन के अंदर सबसे पहले पार्शियल वैक्यूम बन जाता है, ठीक है, और रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है या सिंपल निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो लो होने की वजह से या निगेटिव होने की वजह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर के एनवायरनमेंट में जो एयर होती है वो उनको पंप कर रहा होता है, ठीक है, एंटर कर रहा होता है और इसी के साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एंटर कर रहे होते हैं। तो सिंपल हमारे साथ जो ह्यूमन मैकेनिज्म है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, जो इंस्पिरेशन है बेसिकली दैट इज आल्सो सक्शन पंप मैकेनिज्म। किस तरह सक्शन पंप, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे साथ पार्शियल वैक्यूम बन जाता है और उसी को इक्वलाइज करने के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसी से एयर लिया जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ सक्शन पंप मैकेनिज्म। तो सिंपल हमारे साथ इंस्पिरेशन क्या होगा, इट इज एक्टिव प्रोसेस होगा जिसके ऊपर क्या आ जाती है, एटीपी की यूजेज आ जाती है। शॉर्ट फॉर्म में अभी सुन लीजिए को, देखिए ये एटीपी की यूजेज अगर आ जाती है तो इनकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ टू मसल्स होंगे, द फर्स्ट वन डायफ्राम और द सेकंड वन इंटरकॉस्टल मसल्स। इनकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हमारे साथ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, थोरैसिक कैविटी की वजह से एंट्रन फ्लूरल कैविटी इंक्रीज होती है, फ्लूरल कैविटी पार्शियल वैक्यूम को बना रहा होता है और उसी की वजह से फिर लंग्स इन एक्शन आ जाते हैं और वो एयर पैसेज वे के जरिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर को इनहेल कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमारे साथ एक्सपिरेशन। सो एक्सपिरेशन इज बेसिकली टोटली रिवर्स ऑफ व्हाट
इंस्पिरेशन, ठीक है, या हमारे साथ ये एक्टिव प्रोसेस है तो इन नॉर्मल कंडीशन द एक्सपिरेशन विल बी पैसिव प्रोसेस, ठीक है, ये पैसिव प्रोसेस होगा, देयर विल बी नो यूजेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूजेज ऑफ एनर्जी इनमें क्यों नहीं होती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, लेकिन याद रखिए एक्सपिरेशन क्या होगा, इट मे बिकम एक्टिव इन सेवियर एक्सरसाइज और सिंपल इन फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सरसाइज में या फोर्सफुल एक्सहेलेशन में, फोर्सफुल एक्सहेलेशन इसी में क्या होगा, इसी में हमारे साथ एक्सपिरेशन ये एक्टिव प्रोसेस होगा, बिकॉज फोर्सफुल एक्सहेलेशन विल यूज इज एटीपी। अच्छा देखिए एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है लेकिन इसमें इन्वॉल्व होगा रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, इसमें मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, वही सेम मसल्स होंगे जहाँ जिस तरह हमने इंस्पिरेशन में डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि एक इसमें डायफ्राम होगा वाइल द सेकंड विल बी इंटरकॉस्टल मसल्स, तो डायफ्राम रिलैक्स अगर हो जाता है तो ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन इट बिकम्स फ्लैट, ये फ्लैट हो जाता है, लेकिन ड्यू टू रिलैक्सेशन इट विल एक्वायर इट्स डूम शेप, ठीक है, ये वापस अपने डूम शेप में आ जाता है, ठीक है। इनके अलावा हमारे साथ इंटरकॉस्टल मसल्स उनकी भी रिलैक्सेशन आ जाती है, तो वो अगर रिलैक्सेशन उसकी अगर रिलैक्सेशन आ जाती है तो इट विल मूव द रिब केज टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये ओरिजिनल पोजीशन में किस चीज को, मीन रिब केज को ले जा रहा होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने जो टॉपिक दिया हुआ है कि रिजल्ट ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, पैसिव प्रोसेस की वजह से मसल्स की रिलैक्सेशन आ जाती है, लेकिन इन्हीं रिलैक्सेशन की रिजल्ट क्या होगी, तो रिजल्ट इनका यही है कि फर्स्ट वन रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, जिस तरह हमारे साथ ये फॉरवर्ड और आउटवर्ड आ जाते हैं, अब आउटवर्ड की जगह ये इनवर्ड चला जाते हैं वापस अपनी पोजिशन में, अगर ये फॉरवर्ड आ जाता है तो नाउ इट विल मूव डाउनवर्ड, ये वापस डाउनवर्ड चला जाता है। अच्छा इनके अलावा स्टर्नम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जिस तरह इंस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टर्नम विल मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रॉम द बैकबोन, तो नाउ स्टर्नम विल goes back to its original position, ये अपनी original position में वापस चला जाता है। इनके अलावा diaphragm will assume doom shape, diaphragm भी doom shape में चला जाता है, तो इन तीनों की वजह से हमारे साथ क्या होगा, decreases thoracic एंड फ्लूरल केविटीज, ठीक है, फ्लूरल केविटीज और थोरेसिक केविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इनकी रिलेशन भी आप लोग इसी बॉयल्स ला के जरिए क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर हमारे साथ ये सारी एक्टिविटीज हो जाती है तो इनकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा तो इसी एक्टिविटीज की डिक्रीज की वजह से क्या होगा, डिक्रीज की वजह से क्या होगा, एक्सर्ट प्रेशर ऑन लंग्स, वही डिक्रीज हमारे साथ लंग्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, अब अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लंग्स के ऊपर तो जाहिर सी बात है इट विल रिजल्ट्स इन एक्सपिरेशन, इनकी वजह से फिर एक्सटर्नल एंड इनसाइड जो हमारे साथ एयर प्रेजेंट होता है इट विल रश टू द आउटसाइड, ये आउटसाइड आ जाता है, तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, जो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से कंट्रोल हो जाता है, एक इसमें आ जाते हैं इंस्पिरेशन, दूसरा हमारे साथ एक्सपिरेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये जो हमारे साथ क्या होता है, प्लूरल केविटी इनकी इंक्रीज आ जाती है, तो इनके लिए आप लोगों ने यही याद रखना होगा कि द विसरल फ्लूरा इज अटैच विद द लंग्स व्हाइल द पेरिटल फ्लूरा इज नॉट अटैच, ठीक है, तो इसी वजह से प्लूरल केविटी इंक्रीज हो जाती है एंड दिस इट रिजल्ट्स इन पार्शियल वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्या होता है, दैट इज अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, सॉरी दैट इज अ रीजन ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो इनकी वजह से हमारे साथ फाइनली इंस्पिरेशन परफॉर्म होता है और एक्सप्रेशन तो इंटायरली ये क्या है, इट इज अपोजिट ऑफ द इंस्पिरेशन, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर।